दिस इज कोलगेट, वेरी कॉमन पेस्ट, टूथपेस्ट. मेरे ख्याल से 90% लोग यही यूज करते हैं, और टेयांस वाले 10% लोग ये यूज करते हैं, हमारा ओरेकेयर. तो अभी हम दिखाते हैं दोनों का डिफरेंस, शुरुआत इसी से करते हैं. ये जो 100% नेचुरल है और ये जो 100% केमिकल्स है, तो अभी मैं दिखाती हूँ कैसे. मैम, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। आप इसकी बैक साइड पे देखिए कि कौन सा कलर दिखा रहे हैं। बैक साइड पे एक ना वो कलर होता है, इवन ग्रीन दिखा रहे हैं सर, ग्रीन दिखा रहे हैं, ग्रीन हर्बल दिखा मतलब रहे हैं, हर्बल. लेकिन हाँ ये हर्बल नहीं है। नहीं खा है. रहे यस हैं सर, उसके बावजूद भी ये हर्बल नहीं है। ये चीज यस मैं सर, जानना चाहता था। यस सर. तो मैंने लेफ्ट साइड में रखा ग्रीन वाला जो हर्बल दिखा रहे हैं, कोलगेट, और राइट साइड में हमारा ओरेकेयर जो कि 100% हर्बल है. आप वैसे भी देख सकते हो ये ज्यादा क्रीमी है और ये रफ है थोड़ा. तो अभी हम लेते हैं थोड़ी टर्मरिक. टर्मरिक जिसको हिंदी में हल्दी बोलते हैं, तो इतनी सी हल्दी मैंने इसके ऊपर ली और सेम क्वांटिटी मैंने राइट साइड ली. अभी हम इसको मिक्स करेंगे. पहले इसको मिक्स करते हैं कोलगेट को. अभी मैम, मैं कल, हाँ कल शायद मैंने इसका वीडियो भी दिखाया था, टूथपेस्ट का ही। टूथपेस्ट का एक न्यूज़ चैनल के ऊपर ये पूरा बता रहे थे कि बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जिनकी वजह से कैंसर तक हो सकता है। माउथ कैंसर सर, यस. हाँ, तो उन्होंने सारा बताया कि ये जो व्हाइटनेस, उसके लिए ये फ्लोराइड वगैरह भी डालते हैं और केमिकल्स डालते हैं, वो रियली काफी हार्मफुल हो सकते हैं अगर रेगुलर उस टूथपेस्ट को यूज किया जाए। जी आप मैम, कलर देख सकते हो, हल्दी का कलर हमारे ओरे केयर से चेंज नहीं हुआ, सेम येलो कलर रहा है. और हाँ इसका कलर देखो, इसमें कोई भी कलर नहीं है, मतलब केमिकल्स की वजह से वो कैसे हो गया है, आप फर्क देख सकते हो वेरी ट्रू मैम। हल्दी का कलर. और ये एज इट इज नेचुरल है, और ये देख सकते हो क्रीमी है, और ये वाला एकदम ड्राई ड्राई रफ रफ हो रहा है. अगर हाथ पे यही एक्सपेरिमेंट वैसे ही बिना हल्दी के भी अगर हाथ पे लगाओगे तो ये ड्राई हो जाएगा, जैसे हाथों से ड्राई स्किन या मैल निकलती है वैसे निकलेगा, और ये क्रीम की तरह स्प्रेड होता जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है. तो ये गम्स के लिए, जिनको माउथ अल्सर है उनके लिए. इसके अभी बेनिफिट्स मैं बता दूं क्या क्या है, किस किस के लिए मैं यूज करती हूँ. मैम, एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने ये ओरिकेयर नहीं था तो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता था, क्योंकि जितने भी मैं टूथपेस्ट यहाँ पे यूज करता था उससे ब्लीडिंग होती थी। और यस जब मैंने ओरिकेयर यूज किया, बिल्कुल भी ब्लीडिंग का वो चांस ही नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया और एकदम फ्रेश रहता है। इसकी एक और मैं डेमो दिखा दूं पहले, फिर मैं बताती हूँ और किस किस में यूज होता है. तो वो डेमो थोड़ा हम साइड में रखें क्योंकि उसको मैं हिलाना नहीं चाहती. तो मैंने 2 स्पून लिए हैं, फिर से वो साइड कोलगेट डाल रही हूँ. और ये साइड हमारा ओरे केयर, सेम क्वांटिटी. और इसमें मैं कोई भी आप विनेगर, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है. आप कोई भी वाइट विनेगर भी यूज कर सकते हो. तो थोड़ा सा मैं राइट वाले में डालूंगी, थोड़ा लेफ्ट में डालूंगी. इसको टाइम लगेगा इसलिए मैंने स्पून ऐसे रखे हैं. तो लास्ट में हम देखेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी. तब तक हम बात करते हैं. ममता,
लड़कियों को पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले गम्स की बात करते हैं, माउथ अल्सर के लिए बहुत अच्छा है। माउथ अल्सर, जो पानी कम पीते हैं उनको अक्सर माउथ अल्सर होता रहता है, तो माउथ अल्सर के लिए एक्सेलेंट रिजल्ट देता है। जो ब्लीडिंग गम्स है, ब्लीडिंग गम्स के लिए ये और साथ में मल्टी विटामिन का कॉम्बिनेशन दो, तो ब्लीडिंग गम्स और जिंक साथ में, स्वेलिंग के लिए जिंक देती हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मसूड़ों में से खून आना बंद हो जाता है और मसूड़े टाइट होते हैं, और जिनके मुंह से बैड ब्रेथ आती है तो बैड ब्रेथ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम की वजह से बैड ब्रेथ का ये मतलब नहीं है कि वो लोग ब्रश नहीं करते। तो जो लोग की इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है उनके मुंह से हमेशा बदबू आती है, या डायबिटीज, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके मुंह से भी काफी बीमारियों की वजह से भी बैड ब्रेथ आती है, या जो लोग बहुत ज्यादा एलोपैथी इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं तो उनके मुंह से भी बैड ब्रेथ आना शुरू हो जाती है। तो उसका एक ही इलाज है, ये दो टाइम सुबह शाम इससे ब्रश कीजिए तो बैड ब्रेथ नहीं आएगी। और इसके क्या क्या यूजेस हैं, जहां पे भी आपका पिंपल हुआ है थोड़ा सा निकालिए इसको, तो जहां पे भी पिंपल हुआ है वहां पे रात को मुंह धो के लगा के सो जाइए आप, तो देखना एक दो दिन में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एक और बात, जिनके बहुत ज्यादा पिंपल्स है, वूंड है, तो वो क्या करते हैं, इसमें चीटोसन मिला के, चीटोसन और टूथपेस्ट मिला के पिंपल के ऊपर, तो एक ही रात में पिंपल आपका गायब हो जाएगा। तो ये सब टेस्टेड है, ये सब मैंने किया हुआ है। तो टूथपेस्ट के लिए, मतलब पिंपल्स वालों को हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि इसमें मेंथोल है और नेचुरल हर्ब्स है जो मसूड़ों को बैड ब्रेथ और ब्लीडिंग ठीक कर सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स को, तो वो पिंपल्स को भी ठीक कर सकते हैं। तो आप इसको एज ए कॉस्मेटिक भी पिंपल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। सर आप कुछ बोलना चाहोगे टूथपेस्ट के बारे में? ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि पिंपल्स को हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो पिंपल्स अभी मेरे ख्याल से मिसेस शाश्वत है करनाल से, जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि हाँ पिंपल्स किस तरीके से ठीक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो उन्होंने उन्होंने अप्लाई भी किया था तो रियली बहुत रिमार्केबल उनको रिजल्ट मिले। तो मैं तो वीडियो देखकर ही दंग रह गया कि वीडियो देखने के बाद इतना, आप भी देखेंगे तो मैम आपको भी पता चलेगा कि कितना वो हार्मफुल होते हैं। यस सर। तो नेक्स्ट एक हैंड वॉश का कर लेते हैं। तो हैंड वॉश कोरोना की वजह से, तो इसमें थोड़ा सा पानी लेते हैं, ये पानी लिया, और ये मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ, ये आपको दिखाने के लिए केमिकल्स। यस सर, मैं कुछ जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी साथ साथ लेता जाता हूँ। उमा यादव जी का क्वेश्चन है कि मैम किसी के टीथ में पेन होता है तो आपने ओरी केयर से ठीक हो जाएगा क्या? यस यस यस, उनके टीथ में जैसे पेन होता है तो थोड़े देर के लिए 10-15 मिनट्स के लिए वो लगा के वहां पे जैसे पेस्ट कुछ भी लगाते हैं ना, जैसे बाम लगाते हैं, तो वो जहाँ पे पेन होता है वहां पूरा लगा के थोड़ी देर के लिए थिक पेस्ट की तरह लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो इसमें जितनी भी हर्ब्स है वो अंदर जाके पेन को किल करेगी और बैक्टीरिया को खत्म करेंगी। तो थोड़ी देर के लिए अप्लाई, जैसे मैंने पिंपल्स के ऊपर बोला अप्लाई, ये नहीं है कि सारी रात अप्लाई करना है, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर 15-20 मिनट की अप्लाई करके छोड़ दे, तो वो जैसे लौंग रखते हैं या लौंग का तेल कॉटन में लगा के रखते हैं तो रिलीफ मिलता है, तो वही रिलीफ इसमें भी मिलेगा आपको। राइट मैम। तो अभी ये पानी है नॉर्मल, तो इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, तो वो समझ लो आप गंदगी है, केमिकल्स है, कोरोना है। तो इसमें अगर वैसे उंगली डालेंगे, ममता उंगली डालो इसमें, तो ये खत्म नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, देखो वो नहीं हट, इधर से आके डालो ममता, उधर से नहीं डाला, तो ये मूव नहीं हो रहा। तो अभी ये देखो सोप लगाएंगे, दूसरी उंगली को सोप लगाओ, तो अभी लगा, डिप करो अंदर, देख रहे हो बिल्कुल कितनी कितनी दूर
कोरोना भाग गया है, मतलब सारे वायरस, तो इसलिए। और दूसरा इसमें एलोवेरा है, ये हटा दो, ये इसमें एलोवेरा है जो आपके हाथों को सॉफ्ट रखते हैं, मतलब अलग से आपको बार बार हाथ धोते हैं, दिन में कम से कम 50-60 बार तो हम हाथ धोते हैं, तो आपके हाथों को ये ड्राई नहीं होने देगा, बार बार आपको मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना पड़ेगा। एक बात पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आज भी मैं बताना चाहती हूँ कि आई टेक शावर विद दिस ओनली, शावर जेल, एज ए शावर जेल मैं इसको यूज करती हूँ, मैं इसी से नहाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ ये कैरी करती हूँ, तो इसी से फेस भी वॉश कर लेती हूँ, बॉडी वॉश भी हो जाता है, तो वो हैंड वॉश भी यही यूज करती हूँ। तो मतलब इतना अच्छा है अगर बॉडी पे भी, क्योंकि एलोवेरा है इसमें, तो नेचुरल मॉइस्चराइजर है, तो फेस पिंपल्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, पिंपल्स के लिए और कौन कौन से सोप हमारे यूज होते हैं वो सब मैं बताऊंगी। तो एलोवेरा की वजह से बॉडी शार भी, आप एज ए बॉडी शार भी यू कैन यूज दिस, तो हाथों को सॉफ्ट रखेगा, स्मूथ रखेगा। और मैं एक चिटोसन और ओरिकेल को मिक्स करके जो पिंपल पे लगाना है वो सारी रात लगाकर रखना है? यस सर, सारी रात लगा के रखना है। और एक क्वेश्चन और है मैम, टीथ वाइटनिंग में भी ये वर्क करेगा ओरिकेल? हाँ, जो बच्चों को होता है ना रात को ऐसे दांत पीसते रहते हैं, तो उसमें भी फायदा होगा उनको। और मैम टीथ येलो रहते हैं और उनको उसमें बच्चों को साइनस की प्रॉब्लम थी, तो क्या अब येलो व्हाइट हो सकते हैं? जो येलो मतलब कि साइनस की प्रॉब्लम की वजह से टीथ येलो हो गए, और येलो क्या वो व्हाइट हो सकते हैं? बचपन में ही येलो हो गए थे सर, अगर तो हल्के से येलो है तो हो जाएंगे, अगर जैसे राजस्थान के लोगों के एक लेयर जम जाती है ना ऊपर, राजस्थान में देखा पानी की वजह से, तो उनको पहले डॉक्टर के पास जाके, डेंटल के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके वो क्लीन करवा लें, तो वो क्लीन करके वो लेयर निकाल देगा, तो उसके बाद हमारा ओरो केयर यूज करें। नागर जी का क्वेश्चन है कि हम लोग पायरिया को कैसे क्योर कर सकते हैं? सर वो तो पायरिया के लिए तो सिंपल है कि आप इस ओरिकेयर टूथपेस्ट को यूज करना शुरू करो, तो ग्रेजुअली पायरिया अपने आप ठीक हो जाएगा। तो पायरिया बेसिकली मैम होता क्या है? ये जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग गम्स और जहाँ बैड मसूड़ों में से पस निकलती है, ओके ठीक है, तो वो सारी पेट की खराबी से होती है, हर बीमारी पेट की खराबी से होती है, तो अपने पेट को ठीक रखो, अपने इंटेस्टाइन को FOS से ठीक रखो, क्योंकि प्रीबायोटिक बहुत 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 जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए और हमारे कोलन के लिए। तो कोलन कैंसर की बात भी हम करेंगे उस दिन, जिस दिन जेंट्स का लूंगी, तो कैंसर के बारे में भी हम बात करेंगे उस दिन, मैंने सारे टॉपिक्स रेडी किए हुए हैं, तो स्लाइड्स आपके साथ मैंने सोचा था फ्राइडे को शेयर करूंगी, तो उसमें हम ये बात भी करेंगे सर जेंट्स के सेशन में। तो अभी हम बात करते हैं सोप की, तो इसमें चारकोल सोप, ये जो चारकोल सोप है, ये चारकोल सोप वैसे बाजार में अलग अलग तरह के मिलते हैं, पर इसमें स्पेशल क्या है, इसमें जो बैम्बू का चारकोल यूज किया है वो बेबी बैम्बू का यूज किया गया है, मतलब ज्यादा बड़े बैम्बूस का नहीं किया गया, तो जो कि स्किन को आपके रफनेस नहीं देगा, ज्यादा स्मूथ करेगा, तो इसलिए ये चारकोल सोप स्मूथनिंग के लिए, इसकी मैं डेमो नहीं दे सकती क्योंकि इसकी ऑफिस में डेमो होती है, एक मीटर होता है, वो स्किन टेस्ट करते हैं कि कितना ड्राइनेस है, कितना मॉइस्चराइजर है और कितना रफनेस है, तो वही डेमो देते हैं उसके बाद, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो आप अपने ऑफिस में जाके उनको बोल के इसकी डेमो दिखाइए। अभी नेक्स्ट हम डेम्बो दिखाने वाली हूं मैं हमारे सोप की, तो इसमें तीन तरह के सोप होते हैं, एक तो कोकम, कोकम विद ओलिव ऑयल, तो जिनकी स्किन ड्राई रहती है, कुछ लोगों की ड्राई रहती है, खिंची खिंची रहती है, जैसे सर्दियों में बहुत ड्राई रहती है, तो उनको कोकम मतलब ये वाला पिंक वाला सोप यूज करना है उनको, जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उनको पिंक वाला, यस जिनको पिंक वाला, उनको पिंक वाला करना है, और जिनको पिंपल्स वगैरह रहते हैं वो ये ना यूज करें, पिंक वाला ना यूज करें, तो उनको ऑरेंज वाला यूज करना है, जिनको पिंपल्स रहते हैं, स्किन एलर्जी रहती है, रैशेज रहते हैं, ईचिंग रहती है, तो उनको ऑरेंज वाला यूज करना है, ओके। और जिनको पिगमेंटेशन है या पिंपल्स के दाग हैं, कालापन है चेहरे पे, गोरे होना चाहते हैं, तो उनको गोट्स मिल्क यूज करना चाहिए, तो
इनको यूज कैसे करना है, लोगों को यूज करने का नहीं पता, वो यूज मतलब लगाते हैं पानी से धो देते हैं, वो गलत है। तो इसको पहले मुंह गीला कीजिए और सोप को पूरे फेस पे नेक पे लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए, और या 5 मिनट हाथ गीले करके पहले मसाज कीजिए चेहरे पे, ताकि इसमें जो हर्ब्स हैं वो एक्टिव हो जाए। तो मसाज आप इस तरह से ये नकल्स यूज कर सकते हैं, इट विल इम्प्रूव द ग्लो ऑफ द स्किन। तो नेचुरल मसाज भी हो जाता है, हल्के हाथ से मसाज करना है नेक पे भी। मसाज करने के बाद फिर मैं चाहूंगी कि 5 मिनट उसको रहने दें, ताकि इसकी जितनी भी हर्ब्स है वो स्किन के अंदर जाए, और उसके बाद फेस वॉश कीजिए, फिर देखिए रिजल्ट। तो जिनकी स्किन ड्राई रहती है उनको पिंक वाला यूज करना है, क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल है कोकम के साथ साथ। और जिनको स्किन पे पिंपल्स रहते हैं उनको हनी एंड ऑरेंज ये यूज करना है। और जिनके काले धब्बे हैं चेहरे पे, अब पिगमेंटेशन यहाँ पे है, आंखों के पास है, चीक्स के ऊपर है पिगमेंटेशन, नाक के ऊपर है पिगमेंटेशन, तो उनको एलमंड एंड गोट्स मिल्क यूज करना है जी। तो इन तीनों का क्या क्या बेनिफिट है वो मैंने बता दिए, कैसे कैसे यूज करना वो भी मैंने बता दिए। अभी मैं जो डेमो दिखाने जा रही हूँ वो हम दिखाएंगे गोट्स मिल्क, क्योंकि डव के साथ दिखा रहे हैं तो डव भी व्हाइट होना चाहिए। तो आपने मैम जो साबुन के बारे में बताया है कि अगर हमारी स्किन ड्राई है तो पिंक सोप यूज करना है, यस सर, पिंपल्स है तो ऑरेंज सोप यूज करना है, और अगर तीसरा आपने पिगमेंटेशन है तो व्हाइट व्हाइट वाला यूज करना है। यस सर जी, बहुत बढ़िया। जो मार्केट में सोप यूज किए जाते हैं मतलब बनाए जाते हैं उसमें हर एक में केमिकल्स होते हैं, अगेन केमिकल से क्या होता है स्किन कैंसर, तो वो हम दिखाते हैं अभी। तो सब लोग ज्यादातर डब पे भरोसा करते हैं कि 100% इसमें मॉइस्चराइजर है, तो पर कितने केमिकल्स हैं वो हम दिखाते हैं। और इस पे देख सकते हो आप डब की फोटो भी बनी हुई है। तो ये है हमारा, दूसरी साइड है हमारा का गोट्स एंड मिल्क। अभी हम इसमें डालेंगे बीटाडीन। बीटाडीन से हम नॉर्मल पानी को गंदा करने के लिए हम बीटाडीन यूज करते हैं, ये इजीली एनी केमिस्ट शॉप पे मिल जाती है। मैम नाना हैंड वॉश जिसमें एलोवेरा है वो स्किन सिरोसिस के लिए भी यूजफुल है सर? वो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, रैशेस हो, गैंग्रीन, डायबिटिक फुट जो होता है गैंग्रीन जिसमें लेग एम्प्यूट कर देते हैं, उसके लिए भी यूज किया जाता है, सिरोसिस के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, और मैम अगर किसी बच्चे को इचिंग हो, स्किन में इचिंग हो तो कौन सा सोप यूज करना चाहिए? इचिंग के लिए सर नाना भी यूज कर सकते हैं और ऑरेंज। स्किन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम के लिए मैंने सबके लिए ऑरेंज, और नहीं तो हमारा टी ट्री ज्यादा बेटर है क्योंकि एलोवेरा है उसमें, तो वो टीचिंग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे। सर हाँ, पिंपल्स के लिए जैसे हमारा ये सोप है तो पिंपल्स के लिए मैं टी ट्री भी बोलती हूँ। टी ट्री है इसमें, नीम है, टी ट्री और नीम यूज कर सकते हैं। और ये मैंने सर पानी को किया है बीटाडीन डाल के, आपने पैक बना दिए मैम पटियाला। यस यस सर। तो सर पहले हम इसको ही डालते हैं, डब को ही कर डालते हैं। एक साइड मैंने डब डाला। मैम जो टीथ में जलजनाहट होती है जैसे ठंडा गर्म लगता है उसमें भी ओरिकेयर बहुत अच्छे से काम करेगा? यस सर। और दूसरे में हमारा टियांस का डाल रही हूँ, गोट्स मिल्क एंड एलमंड।
सर वैसे कलर दिख रहा होगा कि कलर चेंज होना शुरू हो गया बिना हिलाए, बिल्कुल बिल्कुल। कलर कलर डिफरेंस। तो अभी शेक करते हैं, पहले इसको हिलाते हैं। इसको सर सारी रात मिक्सी में भी करते रहो तो भी कुछ नहीं होगा और वो थोड़ी देर में वाइट हो जाएगा। हमारे एक पहचान वाले ने, मतलब मेरी एक डाउनलाइन ने, 3 दिन तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। 3 दिन के बाद भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। फर्क सर देख सकते हो, बिल्कुल वो व्हाइट हो गया है। इसको कितना भी हिलाओ, मिक्सी में डाल के भी हिलाओ तो भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसने केमिकल जो इसमें केमिकल्स हैं, यस, उसको उसकी प्रॉपर्टीज को कुछ भी उसने सेपरेट नहीं किया है, और जब यस सर जो हमारा सोप है उसने सेपरेट कर दिया। हाँ जी सर, सारे केमिकल्स उसने खत्म कर दी, इम्प्योरिटीज सारी खत्म कर दी है उसने, गंदगी को साफ कर दिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलू, सारी गंदगी को धो डाला, वॉश कर दिया जी। तो ये एज इट इज। ये सर, ये जो हमारा गोट्स मिल्क एंड एलमंड है ना, ये इसकी गंदगी को भी साफ कर देगा। तो मैं मिला के रख देती हूँ थोड़ी देर तक, तब तक हम कुछ और डेमो कर लेते हैं। थोड़ी देर अगर इसको ऐसे मिक्स करो सर, उसकी गंदगी भी साफ हो जाएगी। एज इट इज मैं इसको साइड में रख देती हूँ, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट तो मैम, आपने जो दिखाया था अभी डेमो, तो आपने जो हमारे वाला था उसमें उसमें मिक्स करके फिर हिला के देखा है उसको? हाँ जी सर, उसमें दोनों को मिक्स करके मैंने छोड़ दिया है, रख दिया। अभी मैं हिला नहीं रही क्योंकि ग्लास बहुत भरा हुआ है, वो मैंने एज इट इज टूथपेस्ट के साथ रख दिया है। तो बाद में मैं दिखाऊंगी आपको, टूथपेस्ट भी दिखाऊंगी सर। टूथपेस्ट अगर आपको दिख रहा है सर, हाँ जी, तो ये वाला कोलगेट कोलगेट और हमारा ओरेकेयर ओरेकेयर, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे पार्टिकल्स आ गए हैं और ये एज इट इज पड़ा है। हाँ, वो मतलब डिफ्यूज हो रहा है और एसिडिक, हाँ, जो हमारा सलाइवा होता है सर वो भी एसिडिक होता है ना, तो इसलिए दिखाया है कि कितना सेफ है वो। तो अभी हम लेंगे 2 स्पून फिर से सर। ये सारे लोग जानते हैं प्रिल, और ये हमारा डिश वॉश, तो मैं इसके ऊपर एक एक ड्रॉप ऑयल लगाऊंगी। मैंने दोनों के ऊपर ऑयल लगाया है, ममता ऑयल हटाओ। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हो। आपने कौन सा ऑयल यूज किया मैम? सर राइस ब्रांड, ओके। तो और अभी पानी दो ग्लासेस में। तो अभी दोनों के ऊपर एक एक ड्रॉप डालूंगी मैं। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है सर। हमारे घर में भी यही यूज होता है मैम। एक ड्रॉप डाला है, और मेरे ख्याल से सारे टियांस वाले इसी को यूज करते हैं, और दूसरे में भी मैं एक ही ड्रॉप डालूंगी। एक ड्रॉप डालने के बाद फिर मैं मिक्स कर रही हूं। अभी आपके सामने 2 ग्लासेस हैं। तो इसमें हमारा डिश वॉश डाला ग्लास, मतलब
सकते हैं यार्न्स का और उसमें फ्रिल मार्केट का। आप सर पानी से देख सकते हो, हमारा पानी, हमारे वाला पानी गंदा हो गया, ये पानी गंदा भी नहीं हुआ और फर्क देख सकते हो। इसमें पूरी चिकनाहट वैसे की वैसी है राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में बिल्कुल चिकनाहट नहीं है, और दोनों का पानी का फर्क भी देखिए। बिल्कुल मैम, पता नहीं सर वहां आपको इसकी चिकनाहट दिख रही होगी या नहीं राइट वाले की कैमरा में, बट अगर आप लाइव डेमो दिखाऊंगी मैं जब आके, तो इसमें बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है हमारे वाले में, और इसमें चिकनाहट आपको नजर आएगी। और मैम अभी रॉक स्टार का हमारे पास मैसेज आया है, यस इट्स ऑसम, वेरी गुड फॉर हैंड्स, आई स्टॉप यूजिंग अदर डिश वॉश, आई हैव सोल्ड आउट मेनी डीको वॉश एंड द रिस्पॉन्स इज ऑसम ऑफ ऑल कस्टमर्स। जितने भी लोगों ने इसको यूज किया है तो रिमार्केबल उनको रिजल्ट मिले। थैंक यू सर, ममता। इसके स्पून की चिकनाहट सर दिखाई दे रही होगी, अभी तक भी चिकनाहट है और दूसरा एकदम क्लीन है। और नेक्स्ट लेते हैं हम हमारा हेयर ऑयल जी। ये हमारा जो हेयर ऑयल आमला, आमला सब बोलते हैं ट्रेंडिंग। हाँ एक तो मैं दिखाना भूल ही गई, ये सर एक टूथपिक लूंगी मैं वो हमेशा दिखाती हूँ, ये एक टूथपिक को मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिप करूंगी। मैम आपका आपका डेमो दिखाकर म्यूर गोयल ने 50 ये डिश वॉश भेज दिए। वेरी गुड। ये सर पानी आधा बोतल लिया, आधा बोतल पानी में सिर्फ एक टूथपिक डाली है मैंने, देखिए सर सिर्फ एक टूथपिक डिप करके इतना लैदर हो जाता है, तो समझ लो कि एक महीने, मतलब ये कितने महीने चलेगा एक डिश वॉश। बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। यस, अगर यही एक्सपेरिमेंट इससे करोगे तो उससे इतनी लैदर नहीं होगी। ओके नेक्स्ट है सर हमारा आमला एंड नीम हेयर ऑयल। आमला बालों की मजबूती के लिए, सबको पता है कि रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है बालों के लिए, आमला बहुत अच्छा है। और जो नीम है ये हर तरह के इन्फेक्शन को खत्म करता है, जैसे बालों में गर्मी की वजह से पिंपल्स आ जाते हैं, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या रूट्स वीक होने लगती हैं, या डैंड्रफ आ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है। इस ऑयल को सर जैसे पिगमेंटेशन के लिए या जख्मों के लिए, सोरियासिस की बात की है, सोरियासिस के जो व्हाइट व्हाइट पाउडर निकलता है, ईचिंग होती है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, रैशेज होते हैं रैशेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो काफी यूजेज है इसको, चेहरे पे भी लगा सकते हैं। मैंने सुना है लोगों ने बोला है कि पिंपल्स के ऊपर लगाने से पिंपल्स भी क्योर होते हैं, क्योंकि नीम है इसमें, नीम की वजह से पिंपल्स भी क्योर होते हैं, और पिगमेंटेशन पे भी, और ड्राइनेस पे, कहीं पे भी ड्राइनेस हो, मतलब ये इतना लाइट है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो थोड़ा सा लेके आप हाथों पे लगा सकते हैं, अच्छी स्मेल भी आती है, मतलब वो स्टिकीनेस ऑयलीनेस फील नहीं होगी। और रात को लगाना है, पूरी रात इसको रहने दें, तो सुबह जब आप वॉश करोगे हमारे शैम्पू से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट इसको पूरी रात रखना है, पूरी रात रखना बहुत जरूरी है इसको, तो अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं यही यूज करती हूँ, जब से ये यूज करने लगी हूँ तब से बालों का झड़ना भी कम हुआ है, और बालों के झड़ने के लिए साथ में मैं देती हूँ जिंक, जिंक इज मस्ट फॉर हेयर, जिंक और ये, और साथ में हमारा शैम्पू, तो जिंक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बालों के टूटने से, रूट से निकलने से, और उससे स्ट्रेंथनिंग भी होती है, दोनों से स्ट्रेंथनिंग भी होती है। और इसमें शैम्पू और कंडीशनर है, तो इसको लगा के आपने 5 मिनट के लिए छोड़ना है, रात को ये लगाना है पूरी रात, और उसके बाद सुबह को शैम्पू 5 मिनट के लिए छोड़ना है, क्योंकि इसमें कंडीशनर भी है, और उसके बाद आपने वॉश करना है।
मैम जैसे दो मुंह के बाल होते हैं उसमें भी बेनिफिट होगा, और अजीमा और सिरोसिस में, जैसे जो हम सिरोसिस में ट्रीटमेंट करते हैं अजीमा में भी वही रहेगा? सर मैंने ग्लास को छुआ तक नहीं, कुछ नहीं किया, देख सकते हो आप हाँ बिल्कुल, वो भी उस। वाइट हो गया, वो भी क्लियर आउट हो गया। हाँ, और साथ में हमारा टूथपेस्ट भी है नीचे। हाँ बिल्कुल, वो भी नजर आ रहा है मैम। यस सर, एक्जिमा में, हाँ एक्जिमा में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है हमारा ऑयल, और स्किन सोरियासिस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और कहीं पे भी कोई वूंड हो वहां पे आप लगा के ऊपर पैंटी लाइनर लगा के आप रख सकते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स देगा उसके लिए भी। हेयर हेयर के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। सर हेयर की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट साथ में जिंक लेना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रही हूँ जिंक, मैं देखती हूँ, मतलब जब वो पर्सनल कंसल्टेशन करेंगे तो मैं बताऊंगी, क्योंकि केस हिस्ट्री लेने के बाद ही मैं देती हूँ सप्लीमेंट कि क्या देना चाहिए उनको। तो अभी हमारा लिक्विड डिटर्जेंट नहीं आ रहा, तो मेरा लिक्विड डिटर्जेंट भी खत्म हो गया, तो उसकी डेमो वो जब आएगा, उसकी डेमो काफी लोग देख चुके हैं, बट जब आएगा फिर से उसकी डेमो दिखाएंगे हम। अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट, सेकंड लास्ट पैंटी लाइनर बातें लूंगी सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, और बाद में जो यूनिसेक्स प्रोडक्ट है हमारा पैंटी लाइनर, जिसको मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, तो बाद में उसके ऊपर चलेंगे। तो ये है हमारा इंडिया का नंबर वन प्रोडक्ट विस्पर। ये प्लास्टिक है, 100% प्लास्टिक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरतों में कंपेयर टू जेंट्स, औरतों में ज्यादा कैंसर पाया जाता है, खासकर चार तरह के कैंसर, एक तो ओवरीन कैंसर, यूटरस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक कैंसर, ये चार कैंसर की वजह यही है एक प्लास्टिक। क्यों है मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो इसको एक बार खोला, आप खोलने के बाद दोबारा बंद करके नहीं रख सकते, ये एज इट इज ओपन ही रहेगा, तो इसमें से बैक्टीरिया इजिली कैन गो इन। तो इसमें से एक पीस निकालते हैं, ये जो पीस निकाला मैंने ये भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% ओपन है। तो हमारे स्कूल की बच्चे हैं इसको अपने स्कूल बैग में रखते हैं, और हम कहाँ रखते हैं लेडीज, अपने हैंड बैग में। हम लोग हैंड बैग कभी वॉश नहीं करते, हैंड बैग चाहे हमारा 1 लाख का हो या 100 रुपए का, कभी हम वॉश नहीं करते उसको, एज इट इज रहता है। तो पैसे भी रहते हैं और भी बहुत सारा सामान रहता है, पैसों में इतने बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरियाज क्या है इसके अंदर चले जाते हैं, जबकि जहाँ हमारा प्राइवेट पार्ट टच होता है वहां इस वक्त मेरी फिंगर्स टच हो रही है, क्योंकि ये 100% ओपन है। तो इसका जो फर्स्ट लेयर है वो प्लास्टिक है, और इसका जो ये सेकेंड लेयर है ये भी प्लास्टिक है, आप देख सकते हो। तो दो लेयर होगी प्लास्टिक की, और ये केमिकल्स है। केमिकल्स आपने काफी बार देखा होगा, पैंटीज के ऊपर ऐसे चिपका रहता है केमिकल, जब हम ब्रश से रब करते हैं तो भी नहीं जाता, मतलब इतने डेंजरस केमिकल्स होते हैं वो। तो इसको लगा रही हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको लगा रही हूं लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन। तो इसको खोलते हैं, इसके ऊपर 3 इयर्स एक्सपायरी है, और इसको फ्रूट गम यहाँ पे लगा हुआ है, और ये है फूड ग्रेड एल्यूमिनियम फॉइल, ये प्लास्टिक नहीं है। अभी इसमें से एक पीस मैं निकाल रही हूं, तो एक पीस जो निकाला, एक पीस निकालने के बाद अगेन वी कैन सील दिस बैग, ये प्रॉपरली सील हो गया, मतलब बाथ में ऐसे भी पड़ा रहे कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो अभी ये जो पीस लिया है मैंने ये 100% सील्ड है, चारों तरफ से एयर टाइट है, तो बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकते। तो अभी इसको खोलते हैं, और इसका ये जो है बायोडिग्रेडेबल, ये प्लास्टिक नहीं है, दिस इज बायोडिग्रेडेबल, इजिली यू कैन रिसाइकल दिस। और इसके ऊपर अगर आप इसको स्मेल करोगे
तो ये बबल गम जैसी स्मेल आएगी। तो मतलब ईटेबल जो फूड ग्रेड का बबल गम है तो वो लगा हुआ है, तो इसको मैं लगा रही हूँ राइट हैंड साइड, तो इसमें केमिकल्स नहीं है। आपको पता है हमारे सैनिटरी नैपकिन बनते कैसे हैं? मैंने पीपीटी दिखाई है पिछली बार, कई बार पीपीटी दिखा चुके हैं। जितना भी कचरा आप घर से बाहर फेंकते हो ये कचरे से बनते हैं, ये वाले सारे वेस्ट कचरे से बनते हैं, गार्बेज से बनते हैं, और इसको फिर हम बाजार से कचरे को खरीद के इसको रिसाइकल करते हैं। वो रिसाइकल करते हैं इसको 6 times, जो 6 times रिसाइकल करते हैं, ब्लीच करते हैं, उसमें एक बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, तो वो केमिकल्स का नाम है डाइऑक्सिन। जो डाइऑक्सिन है वो इट्स ए पॉइजन, 180 times मोर पॉइजनस देन साइनाइड, इतनी ज्यादा बुरी है। तो जिससे मैं अभी खोलने के बाद दिखाऊंगी, तो अभी आप पहले देखिए ये वाला जो है ये स्मूथ है, कॉटन की फीलिंग आ रही है, ये अगर फील करवाओगे ये एकदम रफ है। तो लेयर बाय लेयर मैं खोल के दिखाऊंगी कि क्या है। तो अभी हमने 2 syringes में मैंने पानी लिया है, दोनों में मैंने 50-50 ml पानी लिया है। तो 50 ml जो हमारा पर डे फ्लो रहता है वो 30-90 ml रहता है, तो इसमें मैंने 50-50 ml पानी लिया है। तो हम लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में पानी डालना चाहूंगे। आप देख सकते हो कि इसको मैं प्रेस करके दिखा रही हूं, इसमें पानी एज इट इज है, यू कैन सी माई हैंड इज वेट, और ये वाला 100% ड्राई, यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं है। मैं टिश्यू से यूज करके रख के दिखाती हूँ। मैम ये नैपकिन तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। जब फर्स्ट टाइम हमने भी डेमो देखा था तो माइंड में ये था कि जेंट्स होकर हम डेमो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जेंट्स के यूज का प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे डेमो होता गया, जैसे जैसे इसको देखते गए, तो आंखें खुली की खुली रह गई मैम। इसमें आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा टिश्यू जो है वो एकदम से वेट हो गया है, और यहाँ पे कहीं पे भी वेटनेस नहीं है, एकदम से ड्राई है ये वाला टिश्यू, दोनों का फर्क देख सकते हो। तो अभी मैंने बोला कि जो फ्लो रहता है वो 30-90 ml रहता है, फिर से हम के और पानी नहीं ले सकता, इसकी 30-50 में ही बस हो गई है। तो दैट मीन्स विस्पर कैन टेक ओनली 10-15 ml वाटर, उससे ज्यादा ये ले ही नहीं सकता। तो अभी अनदर 50 ml पानी मैंने फिर से मैं राइट वाले हमारे स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन एरीज के ऊपर डाल रही हूँ। तो 100+50+50 100 हो गया। इसके बावजूद भी 100 ml लेने के बाद भी इसको आप प्रेस करके देखोगे, इसके आप पंच कर सकते हैं, इसके ऊपर कभी डेमो करना तो पंच करके देखना, एक भी बूंद पानी की नहीं निकलेगी इसके ऊपर से। तो फिर से ये 100% ड्राई, वही ड्राई वाला टिश्यू फिर मैं इसके ऊपर रखूंगी। तो 100% टिश्यू ड्राई है, बिल्कुल भी वेट नहीं है। तो अभी हम खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या ऐसा। तो ग्लासेस में ये 50 ml वाटर और ये डबल 100 ml वाटर, 100 ml राइट साइड रखूंगी और 50 लेफ्ट साइड रखूंगी। लेट्स ओपन एंड सी। ये है विस्पर की फर्स्ट लेयर, जो आप अगर छूके देखोगे बहुत रफ है, मतलब इसके ऊपर एक दाने दाने से है, जिसकी वजह से ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, और काफी लेडीज को आके मतलब खुजला के वो इतना तंग हो जाती है कि ब्लीड भी करने लगता है, इतनी इन्फेक्शन होता है, ईचिंग होती है, और यूटीआई प्रॉब्लम भी इसकी वजह से होती है। आपको पता है ये कौन सा प्लास्टिक है? ये वो प्लास्टिक है जो सीमेंट के थैले बनाने में यूज किया जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है
जब कोई भी गर्म चीज इसके ऊपर पड़ती है, इट प्रोड्यूस मोर हीट, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने का मतलब मोर ब्लीडिंग. मोर ब्लीडिंग मीन्स मोर नंबर ऑफ विस्पर यू हैव टू यूज. तो इसलिए उन्होंने ये घटिया प्लास्टिक लगाया हुआ है. तो ये है थर्ड लेयर. ये फर्स्ट लेयर प्लास्टिक की थी, वो उसका रैपर सेकेंड लेयर थी, और ये थर्ड लेयर प्लास्टिक की. इसमें चार प्लास्टिक की लेयर्स लगी हुई हैं. तो दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक. अभी हम हमारे इसके ऊपर आते हैं. ये 100% सिल्क एंड सर्जिकल कॉटन. सिल्क इसलिए स्मूथनेस के लिए सिल्क लगाया गया है. कॉटन एंड सिल्क का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट लेयर, ताकि आपको आपके फर्जाइल प्लेस पे आपको सॉफ्टनेस का एहसास हो. और ये 100% सिल्क एंड सर्जिकल कॉटन. और विस्पर में नेक्स्ट लेयर दी गई है. टीवी में दिखाते हैं कि दिस इज एक्टिव ऑक्सीजन ब्लू टेक्नोलॉजी. कोई भी इसमें स्ट्रिप नहीं लगी हुई. अगेन उन्होंने फूल बनाने के लिए केमिकल पेंट लगाया हुआ है. कहीं पे भी कोई स्ट्रिप नहीं है. दिस इज अगेन केमिकल पेंट. अगेन दिस इज वेरी डेंजरस. नेक्स्ट लेयर हमारे सैनिटरी नैपकिन में हम बोलते हैं देयर इज एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव एयर स्ट्रिप विच किल्स 1 लाख बैक्टीरिया. जो 1 लाख बैक्टीरिया को किल करती है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द पीरियड कोई बैड ऑर्डर नहीं आती. तो मोर बेनिफिट्स इसके मैं बाद में बताती हूँ. बहुत सारे बेनिफिट्स है स्ट्रिप के. तो ये है वो डाइऑक्सिन. डाइऑक्सिन जिसकी वजह से कैंसर होता है, सारी बीमारियां आती हैं, यूटीआई प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम, सिस्ट प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड्स, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, सिर्फ इसकी वजह से होता है सब. इसको हम 50 ml पानी में डालते हैं, देखते हैं कि ये डिसॉल्व होगा या नहीं. नेक्स्ट है ये है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेयर. इसमें एक्चुअली दो लेयर्स एक साथ आती हैं. एक बहुत थिन लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स भी होते हैं. तो ये अगर आप इसको फाड़ के देखेंगे, अगेन दिस इज 100% सर्जिकल कॉटन. आपको दिख ही रहा होगा और सब लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा. और ये है ब्यूटीफुल जो फिफ्थ लेयर है, ब्यूटीफुल पॉलीमर जेल. पॉलीमर जेल है जो ये बनी है एलोवेरा से. अगेन एलोवेरा और बनाना का स्टेम, बनाना के स्टेम से और एलोवेरा से बनी है. डायमंड जैसे शाइन कर रही है. दिस इज नेचुरल मॉइस्चराइजर फॉर स्किन एंड फॉर प्लांट्स. तो किसी के भी हाथ पे आप रब करके दिखा सकते हैं. थोड़ा सा मैं आपको मेरी स्किन पे रब करके दिखाती हूँ. मैं जब भी डेमो देती हूँ तो आई डोंट थ्रो दिस. तो मैं इसमें इसको घर पे लाके अपने बाथरूम में रख लेती हूँ. तो मैं फिर 2 दिन इसी से शावर लेती हूँ, फिर मैं सोप नहीं लगाती. फर्क नजर आ रहा होगा. ये हाथ थोड़ा गोरा हो गया है कंपेयर टू दिस. तो अभी इसको लेंगे हम, जो मैंने ग्लास में 100 ml पानी लिया था, तो उसमें हम ये सारी जेल को डालेंगे. देखते हैं ये पानी में डिजोल्व होगी या नहीं. इसको भी इधर ही रखते हैं. और नेक्स्ट लेयर है अगेन, ये 2 लेयर हैं और 1 थिन लेयर. अगर ये थिन वाली लेयर देखोगे तो इसमें आपको टाइनी टाइनी होल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे छेद नजर आएंगे. तो जो प्रूव करता है कि वो वी वोंट ब्लॉक द ऑक्सीजन ड्यूरिंग दोज प्रीशियस डेज ऑल्सो ऑक्सीजन गोज इन. तो ये अगेन सर्जिकल कॉटन. अगर हमारे वो 5 दिन
फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट को कमरे में रखा जाए, उसको ऑक्सीजन, उसको एकदम बंद रूम में रखा जाए, उसको ऑक्सीजन ना मिले, धूप भी ना मिले, बट पानी हम रोज देते रहे, तो क्या होगा? प्लांट्स विल डाई, सूख जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह से 5 दिन जो हमारे प्रीशियस 5 दिन होते हैं, पीरियड्स के दौरान अगर 4 प्लास्टिक की लेयर से उसको ब्लॉक कर दिया जाए और वहां फ्रेश ऑक्सीजन ना जाए, तो क्या होगा? यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो अंदर की चीजें जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सड़ने लग जाएंगे, जैसे प्लांट अंदर पड़ा बिना ऑक्सीजन के सड़ जाएगा। तो यही रीजन है। तो ये एरीज, क्योंकि इसमें एयर पास होती है, नेक्स्ट टाइम मैं हर बार बोलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं एक डेमो दिखाना चाहती हूँ गर्म पानी के साथ, तो उसमें देखेंगे कि कैसे ये ब्रीद करता है। इट इज ब्रीदेबल, जो हमारा एरीज है इट इज ब्रीदेबल, तो ऑक्सीजन को ब्लॉक नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन पूरी अंदर जाती है। तो नेक्स्ट लेयर इसकी देखते हैं, जो कि 7th है। दिस इज अगेन 100% सर्जिकल कॉटन, जो कॉटन सर्जरी में यूज होता है, दैट इज सर्जिकल कॉटन। और विस्पर का लास्ट लेयर जो है, जो कि 4th प्लास्टिक का लेयर है, अगेन दिस इज प्लास्टिक। और हमारा लास्ट लेयर इज अगेन बायोडिग्रेडेबल, इजिली यू कैन रिसाइकल दिस। हफ्ते 10 दिन में अपने आप इसको कहीं पे भी फेंक दो, अपने आप रिसाइकल हो जाएगा, मतलब मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। इसका मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हुआ? यस सर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तभी तो इको फ्रेंडली बोलते हैं ना। ओके, हाँ, तो अभी इसमें लिया था मैंने 50 ml पानी, तो वो एज इट इज पड़ा है, आप देख सकते हो जी। और इसमें मैंने लिया था 100 ml ग्लास में लिया था, और 100 ml मैंने सैनिटरी नैपकिन के ऊपर डाला था। तो अभी फिर से सर 50 ml पानी और ले रही हूँ, तो कितना हो गया? 100 + 100 = 250, तो टोटल ऑल टुगेदर 250 ml। तो 250 ml लेने के बाद भी इसमें जीरो लीकेज। इसको अगर उल्टा करेंगे तो पानी ड्रिप करेगा, इसको अगर उल्टा करेंगे तो जीरो लीकेज, सारा देखो लॉक हो गया है, बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आ रहा। मैं जेल को हाथ पे लेके दिखाती हूँ, एक भी बूंद पानी की नहीं है, आइस का गोला बन चुका है, और पूरा का पूरा 250 ml पानी इसमें लॉक हो चुका है, एक भी बूंद पानी की इसमें नहीं है। आइस के गोले जैसा कितना अच्छा लग रहा है। तो पूरा 250 ml इसने लॉक कर दिया है, यहाँ पे इसमें देखो अभी भी पानी है। जो हमारा स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन है वो 250 to 300 ml पानी इजीली ले लेता है, तो नो नीड टू चेंज। तो एक सैनिटरी नैपकिन 20 घंटे चलता है, तो उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हर 3-4 घंटे के बाद आपको अपना पैड चेंज करना चाहिए बैक्टीरिया की वजह से, बट हमारे एरीज में ऐसी स्पेशल क्वालिटीज है जो है एक्टिव ऑक्सीजन, एक्टिव यान स्ट्रिप, जिसकी वजह से आपको बार बार पैड चेंज करने की जरूरत नहीं है। 20 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो, स्कूल में या थिएटर में या ऑफिस में कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 250 to 300, अभी मैंने और भी पानी डाला है, देखो वो भी लॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 300 तो हो गया है। तो 20 घंटे आराम से आपका निकल सकता है, और ये जो हमारा स्टिप है एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव यान विच किल्स 1 lakh बैक्टीरिया, तो आपके कोई भी बैक्टीरियाज नहीं बनेंगे अंदर वेट सरफेस पे। एक और मैं बात करना चाहूंगी, बहुत सी लेडीज मेरी बहने आजकल कप यूज कर रही है, तो दैट इज रियली रॉन्ग। मतलब मैं जैसे बोलती हूँ, रात को आपने ब्रश किया तो उसके बाद कुछ नहीं खाया, ना पिया, ना पानी पिया, हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, जबकि बात भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, सुबह उठते हैं, देन ऑल्सो इट स्टिंक्स, मुंह स्टिंक करता है, बैक्टीरियाज मतलब
कुछ खाया पिया नहीं है फिर भी बैड ब्रेथ आती है। तो इसमें तो जब आप कप यूज करते हो तो सारा दिन आप बैक्टीरिया वेट सरफेस मतलब ब्लड तो गीला ही होता है ना उसको कैरी करके चलते हो तो बैक्टीरिया वहां रहते हैं। Those bacteria are really very dangerous for your uterus, for your ovaries, for your tubes, and kidney, pancreas, other internal organs also. क्योंकि पेट में सारे organs हैं, सिर्फ lungs और brain को छोड़ के, lungs ऊपर है और brain यहाँ है, बाकी सारे के मैं 12 organs internal organs, 10 के 10 internal organs आपके पेट में ही हैं, तो उन पे थोड़ा रहम खा, मतलब अंदर की आप वो carry करते हो हमेशा cup के अंदर वही बैक्टीरिया वाला ब्लड और उसको पता नहीं कब एम्प्टी करते हो, एम्प्टी करके फिर वॉश करके वही लगा लेते हो। दैट इज रियली वेरी वेरी रिस्की, वेरी वेरी डेंजरस। तो लोगों को जो यूज कर रहे हैं उसको अवेयरनेस दो कि कप इज नॉट सेफ एट ऑल। तो उसको छोड़ के सिलिकॉन कप, सिलिकॉन भी काइंड ऑफ प्लास्टिक ओनली, तो सिलिकॉन कप छोड़ के वो हमारे एरीज के ऊपर आए, उनको प्लीज गाइड कीजिए। अभी आते हैं इसके ऊपर, ये है यूनिसेक्स प्रोडक्ट जिसको मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें 30 पीसेस होते हैं। तो इसको भी, ये है फ्रूट गम लगा हुआ है चिपकाने के लिए फ्रूट गम, और ये फूड ग्रेड एल्यूमिनियम फॉइल। तो इसका भी हम एक पीस निकालते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और एक पीस निकालने के बाद अगेन हमने सील करके रख दिया, एयर टाइट सील हो गया फिर से। तो अभी इसको निकालते हैं, ये भी चारों तरफ से एकदम से बंद है, एयर टाइट है, तो आप अपने पॉकेट में, छोटा सा है, पॉकेट में यूज करके लेके जा सकते हैं या पर्स में भी रख सकते हैं, स्कूल बैग में रख सकते हैं। तो इसको हम खोलते हैं। मैम एक बार बताइए, आपने इसको बताया कि ये यूनिसेक्स है, तो ये जेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं और किस पर? मैं उसी पे आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ, वही बताने जा रही हूँ सब कुछ। तो इसको हमने ले लिया, तो इसमें भी देखो एक ये एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन स्ट्रिप है यहाँ पे, तो 1,00,000 बैक्टीरिया को खत्म करती है। तो लड़कियां जब ये यूज करती हैं तो जो उनको एंगर आता है सर, गुस्सा आता है, माइग्रेन होता है, इरिटेशन होता है मूड पीरियड्स के दौरान, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है और क्रैम्प्स आते हैं, तो अगर ये वाला पैड यूज करेंगे, हमारे वाला जिसमें एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, तो उनका चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, माइग्रेन, बैक पेन, क्रैम्प्स, लेग पेन, स्टमक पेन, सारा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले महीने में उनको रिजल्ट दिखेंगे, रेगुलर यूज में वो सब नहीं होगा जो कि एक विस्पर यूज करने में होता है। और इसको वेट करके अगर वो पीरियड्स के दौरान जब स्टमक पेन होता है, इसको अपने नाभि के ऊपर रख लें, तो नेवल के ऊपर रख लें, तो उनको काफी रिलीफ मिलेगा सिर्फ इसको वेट, क्योंकि ये एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन स्ट्रिप है, आप बोल सकते हो मेरी ओजोन स्ट्रिप है। तो अभी आते हैं इसके ऊपर, इसके और भी बेनिफिट्स बताती हूँ। आपने बोला नाभि के ऊपर रखना, तो ये वेट करके रखना है? वेट करके रखना है सर, पेन हो रहा है तो वेट करके रखना है। इसका, इसमें मैं बता रही हूँ अभी, ये इतना थिन होता है टिश्यू की तरह, टिश्यू पेपर की तरह बहुत थिन होता है, आपको फील भी नहीं होता। यूटीआई प्रॉब्लम, चाहे वो गाइस को हो चाहे वो लेडीज को हो, यूटीआई प्रॉब्लम में मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट कैंसर में गाइस कैन यूज दिस। और जिनको बैक पेन होता है उनको समझ लो कि यूटीआई, पहले तो यही पूछो कि तेरे को यूटीआई प्रॉब्लम है। अक्सर यूटीआई, बैक पेन यूटीआई की वजह से भी होता है, और जो कम पानी पीते हैं उनको भी होता है। तो यहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है, नी ज्वाइंट पेन है, इसको गीला करके वहां पे रख लो जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है। बुखार है, इसको भिगो के जैसे रुमाल को रखते हैं ऐसे फोरहेड पे रख लो, तो आपका फीवर नीचे आ जाएगा। यूटीआई प्रॉब्लम में मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। लड़कियों को, स्कूल की कॉलेज की लड़कियों को व्हाइट एंड येलो चिक्की डिस्चार्ज बहुत होता है, तो डिस्चार्ज को खत्म करने के लिए साथ में उनको जिंक के कैप्सूल लेने चाहिए और ये यूज करना चाहिए। जिनको ज्यादा डिस्चार्ज होता है उनको एक सुबह नहाने के बाद जो रखेंगे, रात को सोने से पहले उसको चेंज करके दूसरा रखना है, तो उनको यूटीआई व्हाइट डिस्चार्ज, व्हाइट एंड येलो डिस्चार्ज में उनको फर्क पड़ेगा। और आदमियों के
गर्मियों में, आजकल यहाँ पे तो अच्छा मौसम है, 24 डिग्री है बैंगलोर में, दिल्ली में पता नहीं कितना है। तो गर्मियों में आप लोग स्वेट, कुछ लोगों को स्वेट में बहुत स्मेल रहती है, तो वो इसको अपने अंडर आर्म्स में यूज कर सकते हैं। और लेडीज को ब्रा के नीचे कालापन होने लग जाता है या इचिंग होती है पसीने की वजह से, रैशेज आ जाते हैं, तो इसको आपने ब्रा के नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों साइड लगा सकते हैं। और गर्मी की वजह से जो सारा दिन खड़े रहते हैं ऑफिस का, जैसे टीचर हो गए, लेक्चरर हो गए, या चलने का काम जिनका ज्यादा है, जिनके जूतों में बहुत पसीना आता है, बच्चों के शूज में भी जो स्कूल में जाते हैं, बच्चे अक्सर आके स्कूल से पैर नहीं धोते, ऐसे घूमते रहते हैं, पूरा घर में बदबू फैलाते हैं, तो अगर आप ये उनके जूतों में रख दें तो ये जो स्ट्रिप है 1 लाख बैक्टीरिया को खत्म करती है, तो उनके पैरों में से बदबू नहीं आएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करेगी, 1 लाख बैक्टीरिया को किल करेगी, जिसकी वजह से उनके शूज में से, उनके पैरों में से बदबू नहीं आएगी। तो इस तरह से आदमी इसको यूटीआई प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट कैंसर, स्वेट के लिए यूज कर सकते हैं, अपने जूतों के लिए। अगर आप शूज के अंदर यूज करोगे तो जैसे थकान होती है, टायर्डनेस होती है, तो आप यू वोंट फील टायर्ड एट ऑल, तो एक्टिव ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाती रहेगी, क्योंकि पैरों के नीचे 2000 पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी और आपको लगातार एनर्जी मिलती रहेगी। तो लेग पेन नहीं होगा, पैरों के नीचे जलन नहीं होगी, पैरों के नीचे पेन नहीं होगा, तो मतलब छोटे से माइक्रो मिनी बीसीएम आप पैरों के नीचे लगा के चल रहे हो। तो यस सर, कि जैसे आपने बोला कि आप अंडर आर्म्स में रख सकते हो, जूतों में रख सकते हो, तो क्या इसको वेट करके रखना है जहाँ पसीने से अपने आप वेट हो जाएगा ये? सर यहाँ पे पसीना आता है वहां पे वेट करके नहीं रखना, पसीने से अपने आप जूतों में ड्राई रखना है, पैंटी में ड्राई रखना है, अंडर आर्म्स में ड्राई रखना है, और ब्रा के नीचे ड्राई रखना है। तो सिर्फ पेन में हमें जहाँ पे पेन है वहां पे, जहाँ पे पसीना नहीं आता वहां पे वेट करके रखना है। और अगर आपके पैरों में से जलन, जैसे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं पैरों में से जलन बहुत हीट निकलती है, तो 2 पैंटी लाइनर लेके इसको भिगो के पैरों के नीचे, दोनों पैरों के नीचे आधे घंटे के लिए रख लें, तो उनके पैरों की जलन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंथोल भी है, हमारे इसमें ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है, पैंटी लाइनर भी और हमारा नेपकिन भी, तो कूलिंग, ठंडा ठंडा कूल इफेक्ट देता है, तो जिससे उनकी जलन को भी राहत मिलेगी, और दे विल फील मोर एनर्जेटिक बिकॉज ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन, एक्टिव आयन स्ट्रिप। तो हुए पैरों के नीचे लगाकर सो सकते हैं हम इसको? सो सकते हैं सर, सॉक्स पहननी पड़ेगी, पर उसके लिए वो सर्दियों में कर सकते हैं। क्रेप बैंडेज से इसको बांध ले, क्रेप बैंडेज से बांध के हम कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट रात को पसीना नहीं आएगा, रात को आपको क्या करना है, इसको भिगो के सोना है। अगर क्रेप बैंडेज बांधनी है तो इसको थोड़ा इधर से वेट करके, सिर्फ ये ग्रीन स्ट्रिप को वेट करना है सर, तो इस पे थोड़ा ऐसे, जैसे बहुत से लोगों को जब सुबह उठते हैं तो एडियो में पेन होता है, तो क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, उसमें बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा सर, पर उनको वेट करके लगाना है एडी पे, जैसे ये एडी है ना, तो वेट करके ऐसे एडी पे लगाना है, और फिर बांध ले, कुछ भी बांध ले एडी पे, ऐसे आएगा। और जिनके मुंह से बैड ब्रेथ आती है, तो बैड ब्रेथ के लिए हमने टूथपेस्ट भी बोला है, पर वो इसको पान की तरह, चिंगम की तरह चबा सकते हैं, वेट लॉस के लिए भी ये काम आता है, तो उसको पान की तरह, चिंगम की तरह इसको चबाते रहें, पर स्वोलो ना करें, बस इसको सारा दिन मुंह में रखें, चबाते रहें। और ड्रिंक एंड ड्राइव में, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके मतलब इमरजेंसी में कहीं जाना चाहते हो, पुलिस ना पकड़े, तो उसके लिए इसको पैंटी लाइनर को आप फाड़ो, फाड़ के इसमें से एक्टिव ऑक्सीजन, एक्टिव आयन ये निकालो, निकाल के इसको मुंह में रख लो, 5 मिनट के लिए चबाओ, जब भी आप ब्लो करोगे उनके मीटर में, पॉप्स के मीटर में, तो वहां पे इट विल शो 0% अल्कोहल, तो आप बच सकते हो, बट ऐसा करो मत, इमरजेंसी की मैंने बात बोला। तो इसको वेट लॉस के लिए आप चबा सकते हो, और इसकी बहुत अच्छी डेमो भी दिखाते हैं हम, गर्दन पे रख के, मतलब कैसे अपनी अपलाइन को बोलो इनकी डेमो दिखाएं, नेक पे रख के वेट करके दिखाते हैं हम, तो चबाना क्लियर से चबा सकते हैं, मैं चबा के दिखाती हूँ। अगर आप अपने ड्रिंकिंग वाटर में ये स्टिप डालोगे, बोतल में डालोगे, तो आपका पानी एनर्जेटिक वाटर बन जाएगा, यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, उसी में सारा दिन रीफिल करके
इसको निकाल के तो रिफिल करके वही पानी आप पी सकते हैं सारा दिन। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। वासुदेव जी का मैसेज आया कि मैम उन्होंने पेंटी लाइनर अपने होम स्लीपर में सोल में यूज किया था, बर्निंग सोल बर्निंग होती थी तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और ऐसे ही बहुत अच्छे। जी सुनील दत्त जी का मैसेज आया है कि उनको भी जैसे स्किन बर्न हो गया था तो वो ऑयल लगाकर पूरा स्किन बर्न उनका क्लियर हो गया, तो वो अभी फोटोज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट ऑलरेडी। और सर जो गैंग्रीन का पेशेंट है, कोई भी कट है, बर्न है, कोई भी जख्म हो गया है, तो उसके ऊपर आप इसको गीला करके, जैसे गैंग्रीन का मैं बता रही हूँ, अगर आप हमारे नैना हॉय हैंड वॉश से वॉश करने के बाद उसके ऊपर चीटोसन का पाउडर लगा के, ओके, और मैं बेहतर बता देती हूँ, चीटोसन और टूथपेस्ट का एक पेस्ट बना के वो जख्म के ऊपर लगा दें और ऊपर से इससे बैंडेज कर दें, तो जख्म की हीलिंग बहुत जल्दी हो। किसी भी जख्म के ऊपर इसको लगा के आप पट्टी कर सकते हो, बैंडेज कर सकते हो, तो वो जख्म आपके जल्दी भर जाएंगे, जल्दी हील हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव आयन स्ट्रिप। जी और इसको इस तरह से, जैसे मैं चबा रही हूँ, इस तरह से चबा सकते हैं, इसके सलाइवा, क्योंकि एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव आयन है तो वो अंदर जाएंगे बॉडी के, तो आपको भूख नहीं लगेगी और आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप ज्यादा एक्टिव फील करोगे। ये नहीं होगा कि मैंने खाना नहीं खाया मैं वीक फील करूंगी या मैं गिर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ तो मिल रही है, एनर्जी तो मिल रही है चबाने से। तो सारा दिन इस तरह से चबा सकते हो आप, बट स्वॉलो नहीं करना। सर पेस्ट दिख रहा है? बिल्कुल मैम पेस्ट दिख रहा है जी, बिल्कुल वो पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया ऑलमोस्ट, और ये हमारा एज इट इज है, एज इट इज है। हल्दी के रंग में भी कोई फर्क नहीं आया हमारा, और वो तो वैसे ही दूसरा है, और जो बीटाडीन था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। हाँ, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, शेक भी नहीं किया, इसलिए मैं बोलती हूँ उसको रखो चेहरे पे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है मैम, रियली बहुत अमेजिंग है। जो इतने सारे एक्चुअल में क्या है कि हम लोग फेथ नहीं करते जब तक हम देख नहीं लेते, तो ये आप अच्छे से इतना अच्छे से दिखा रहे हैं, तो उससे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि कितने ये यूजफुल प्रोडक्ट है हमारे। यस सर, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम जो नेक पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं आईटी वाले, उनको नेक पेन अक्सर रहता है, तो नेक पेन में इसको भिगो के वो पीछे गर्दन के पीछे रख ले। डायबिटिक वालों को फ्रोजन शोल्डर की अक्सर प्रॉब्लम रहती है, तो इसको भिगो के जहां पे भी दर्द हो रहा है उसको। बट मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, आपको रिपीट बार बार करना पड़ेगा, एटलीस्ट 15-20 दिन कीजिए तो थोड़ा सा रिजल्ट नजर आएगा। ये नहीं कि एक बार कर लिया और बोले रिजल्ट नहीं मिला, एक बार डाइट करने से कोई पतला नहीं होता, तो इसलिए कंटिन्यूस करना पड़ता है, रेगुलर करना पड़ता है। जी बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। मैम हमारे पास कोई शैम्पू का डेमो भी है? शैम्पू का फिर सर डेमो तो है, बट उसके लिए बाल भिगो के दिखाना पड़ता है ना, धो के दिखाना पड़ता है, वो लाइव डेमो, तो इसलिए सो इसके और उसके उनको बोलो ऑफिस में जाए तो ऑफिस में जो प्रोडक्ट ट्रेनर है वो डेमो दे देंगे। इसके जो मीटर है वो मेरे को थोड़ा सा आप बता देंगे कौन सा मीटर है, मैं हो सकता है मैं बाय करके अपना यहाँ पे हम शुरू कर दे डेमो इसका। मैं सर उसको जो हमारा बैंगलोर का प्रोडक्ट ट्रेनर है ना उससे नाम पूछ के मैं बताती हूँ, तो फिर वहां पे आप शुरू कर सकते हैं। हाँ तो सुशील जी का मैसेज आया कि बहुत बढ़िया मैम आपने बताया, और उसके साथ साथ किरण मैम का मैसेज आया, फ्रीदा मैम ऑसम ट्रेनिंग थैंक्स मैम। कैलाश मित्तल जी का है सर बहुत बढ़िया, और उसके बाद सर जो दिखता है वो बिकता है। हाँ ये तो है, ये देखो 300 ml पानी के बाद भी, वेरी ट्रू मैम। और मैम पाइल्स में भी पेंटी लाइनर को यूज किया जाता है? पाइल्स में भी, मैं बोलना भूल गई थी सर, क्योंकि अभी मैं इतने टच में नहीं हूँ, डेमो डुमो नहीं दे रही हूँ। पाइल्स में जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, पाइल्स में मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे रिजल्ट। पाइल्स वालों को भी मैं बोलती हूँ दो बार, मतलब सुबह का रात को, रात का मतलब सुबह को, दो बार दिन में चेंज करें, 12-12 घंटे के बाद चेंज करें। पाइल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों ने दिए हैं इसमें सर, पेंटी लाइनर में। जी तो मैम बहुत सारे लोगों के मैसेज आते जा रहे हैं, हर्षुक विद्या, उमा यादव,
विनोद शर्मा जी, अरुण श्रीवास्तव जी, राधा मंगल, कैलाश मित्तल, वसुदेव बघेल जी, दिशा जी दिल्ली से। तो ये सर मैं सबको बोलना चाहूंगी जिन जिन के घर में हमारे टियांस के प्रोडक्ट्स हैं, वो घर में प्लीज एक बार खुद डेमो करके अपनी फैमिली को दिखाएं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस, खुद को भी और फैमिली को भी कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि पब्लिकली वो आराम से कर सके बिना किसी झिझक के। तो घर में सब लोग अपने प्रोडक्ट खुद यूज करें और खुद डेमो करके भी दिखें, तो तभी कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड होगा जी। क्योंकि मैं अक्सर कुछ ना कुछ करके ये टूथपेस्ट विनेगर के साथ कहीं पे भी डेमो नहीं है, किसी ने नहीं मुझे दिखाया, मैंने अपने आप ही किया है वो। तो अपने आप एक्सपेरिमेंट करने चाहिए खुद भी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए ये हमारा अपना बिजनेस है, ये डेमोस्ट्रेशन वगैरह हम जो रखते हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए रखते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इससे लर्न कर सके और इसको डुप्लीकेट कर सके। जितना आप डुप्लीकेट करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और इसी तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल डेमो है, कोई बहुत हाई फाई डेमो नहीं है कि बहुत कुछ चाहिए, आपको सिर्फ हमारे टेंशी के प्रोडक्ट ही चाहिए, और इन प्रोडक्ट को लेकर आप किसी के सामने बैठेंगे वो मना कर ही नहीं सकता आपको कि इतना जबरदस्त आप डेमो दे रहे हैं। जी मैम, वही ना, जो दिखता है वो बिकता है, अगर वो देखेंगे तो वो 100% भरोसा करेंगे कि मार्केट में उसको क्या मिल रहा है और यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है। बेशक थोड़ी महंगी चीज हो, बट प्योर तो मिल रही, प्योरिटी की तो गारंटी है ना मैम, दिखाई तो देता है। हाँ जी सर, कर सकते हैं आंखों के ऊपर, डार्क सर्कल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। डार्क सर्कल के लिए ऐसे आप फोल्ड करके ग्रीन वाला, तो इसको आंखों के ऊपर लगा सकते हैं। आज तो भजन कौर मैम का भी मैसेज आया है, सेशन बहुत अच्छा लगा। भजन कौर मैम, थैंक यू। सोनल पटेल जी बीएलडी सूरत से, थैंक यू रुपेश जी, आपकी वजह से ट्रेनिंग हमको मिलती है। नहीं, मेरी वजह से नहीं है, ये डॉक्टर फरीदा खान की वजह से हम सब ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। इट शुड बी रिपीटेड पीरियोडिकली। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये चलती रहती है हमारी डिफरेंट। और कैलाश मित्तल जी, रमाकांत जी और सरोज देवी जी, गुरविंदर सिंह पटियाला से, सब कह रहे हैं कि जबरदस्त। आईज पीआर वाटर में गीला करके लगाना है मैम? हाँ जी सर, आंखों के ऊपर मतलब आंखों में दर्द है या टायर्डनेस है आंखों में, तो आपको गीला करके लगाना है इसको। जी, मतलब जो थक जाते हैं ना लोग कंप्यूटर के ऊपर, आजकल टीवी देख देख के थक जाते हैं सर, तो उनको वेट करके आंखों के ऊपर लगा ले बस थोड़ी देर के लिए, जी। तो दे विल फील, मतलब एक तो कूलिंग का इफेक्ट होगा सर, ठंडा ठंडा कूलिंग का इफेक्ट होगा, तो आंखों की टायर्डनेस खत्म हो जाएगी और एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव आयंस अंदर जाएंगे, तो थोड़ा आईसेट साथ जिंक के साथ साथ थोड़ा आईसेट भी इम्प्रूव होगी। बट फिर मैं बोल रही हूँ टाइम लगेगा, एक दिन में या एक महीने में कोई मैजिक होने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं चाहूंगा मनोज जी हमारे साथ बने हुए, मनोज जी आप अगर हमारे साथ बने हुए तो आप अपने आप को अनम्यूट करके जरा, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करें। अगेन डॉक्टर फरीदा खान, बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक तो आप बहुत अच्छी लग रही है, ऊपर से जो आपने डेमोज दिया दैट इज सो फैंटास्टिक। थैंक यू सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं ना, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग तो मतलब उसमें 10-20-30% लोग तो उसको करते हैं डुप्लीकेट यानी डेमो, लेकिन बहुत सारे लोग सुस्त हो जाते हैं। यानी कि देखिए ये काम क्या है, ये आपका अपना काम है, इस काम में जितनी आप डेमोस्ट्रेशन लोगों के साथ करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा और आपके यहाँ लोग जुड़ेंगे भी सही, और इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस, और जब आपका एक प्रोडक्ट बिकता है, जो नए लोग आते हैं, जब वो दूसरा बिकता है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर उनको लगता है बिजनेस बहुत आसान है। यस सर, होता यही है। जब तक कहते हैं ना वो दुकान खोली कस्टमर नहीं आया, कस्टमर आने शुरू हो गए तो ऑटोमेटिक, जब कस्टमर आपके बनने शुरू हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। यस सर। तो दैट इज सो फैंटास्टिक सेशन, और आपने जो आगे का सेशन भी लेना है, जो पेट वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, वहां पर अपने सारे क्वेश्चन रख सकते हैं। और